पिताश्री प्रणाम। प्रणाम चंद्रदेव, देवर्षि नारद ने मुझे बता दिया था कि आप यहाँ आए हैं। पुत्र हनुमान, इतना विलंब कब से प्रतीक्षा कर रही थी तुम्हारी? माँ, वो चंद्रलोक पर राक्षसों ने अमृत पाने के लिए आक्रमण कर दिया था। राक्षसों ने? कहीं उन्होंने? आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैंने उनके आक्रमण को विफल कर दिया। अच्छा हुआ हनुमान कि तुम वहां थे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब साक्षात चंद्रदेव यहाँ है तो आपका व्रत भी पूर्ण हो गया होगा ना माँ? हनुमान, मुझे दुख है, तुम्हारी माता का व्रत पूर्ण नहीं हो पाया। मुझ पर शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है और इसी कारण मैं सहायता मांगने त्रिदेवों के समक्ष भी गया। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते। देवर्षि नारद के कहने पर मैं यहाँ सहायता की याचना लेकर आया हूँ और देवी अंजना ने मेरी रक्षा का वचन दिया है। हनुमान, चंद्रदेव, हम आपको संपूर्ण सुरक्षा देंगे, किंतु ग्रहों की दशा पूर्ण निर्धारित होती है, उससे कैसे कोई बच सकता है? और शनि दशा भी अपने समय के अनुसार ही प्रभाव डालेगी, तो फिर हनुमान या अन्य कोई इसका निवारण कैसे कर सकता है? प्रतीत होता है कि शनिदेव मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए, ये उन्हीं का स्वर है। मेरी शनि दशा तो नियत समय पर आपको ग्रसित करेगी ही, और उसके लिए मुझे आपका पीछा करने की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु आपके अभिमान ने मुझे आपको नियत समय से पूर्व दंडित करने के लिए विवश किया है, और आपका दंड यही है कि आप भटकते रहे ब्रह्मांड में यत्र तत्र। मैं आपको किसी की भी शरण लेने नहीं दूंगा, और यदि किसी ने आपको शरण दी अथवा आपको शरण देने का प्रयत्न भी किया तो वो भी मेरे कोप का भागी होगा। चंद्रदेव, ये उचित नहीं हो रहा। शनिदेव क्रोध में, महाराज केसरी और देवी अंजना को कहीं उनके कोप का भाजन ना बनना पड़े। ये कैसी अग्नि लगाई है देवऋषि नारद ने, कहीं ऐसा ना हो कि इस अग्नि में जलकर सब कुछ भस्म हो जाए। हनुमान का परिवार ही नहीं, सारा सुमेरु ही कहीं संकट में ना पड़ जाए। जो भी रुओं की भात भीतर मत छुपिए चंद्रदेव, बाहर आइए। देवर्षि नारद ने कहा था कि मात्र हनुमान ही मुझे बचा सकते हैं, मुझे हनुमान से अभयदान दिलवा दीजिए देवी अंजना। शनिदेव की दृष्टि से तो वह महादेव भी बच नहीं सके थे। देवी अंजना, मुझे वचन दिया था आपने। देवी अंजना, आपको अपने वचन को निभाना होगा, मेरी रक्षा करनी होगी आपको। माँ, वचन तो दे दिया किंतु कैसे निभाऊं? जब स्वयं महादेव भी शनिदेव की दशा से नहीं बच पाए तो कोई और क्या कर पाएगा? अपने शरण देने वालों को संकट में मत डालिए चंद्रदेव, बाहर आइए। देवी अंजना, कुछ तो बोलिए, कहीं आपका वचन मिथ्या ना हो जाए। चंद्रदेव, मेरी माँ का वचन मिथ्या नहीं होगा,
मैं आपकी रक्षा करूंगा। हाँ चंद्रदेव, हम सब मिलकर अंजना द्वारा आपको दिए गए वचन की रक्षा करेंगे। आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैं जाकर शनिदेव से विनती करता हूँ। रुक जा हनुमान, शनिदेव के पास जाने से पूर्व तुम्हें भी वचन देना होगा। स्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम मेरी आज्ञा के बिना शनिदेव से युद्ध नहीं करते, और ना ही शनिदेव और चंद्रदेव के विवाद में कोई बड़ा निर्णय लोगे मेरी अनुमति के बिना। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मैं वचन देता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अनुपम मातृ भक्त हनुमान, माँ के वचन हमेशा ध्यान। जननी वचन पूर्ति को तत्पर, ऐसा पुत्र जगत से ऊपर। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। चंद्रदेव, मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अंतिम अवसर है आपके समक्ष, बाहर आइए। प्रणाम शनिदेव। चंद्रदेव के शरणदाता महाराज केसरी, हनुमान, चंद्रदेव को मुझे सौंप दीजिए, अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। चेतावनी है मेरी आपको। न जाने क्या होने वाला है। शनिदेव की चेतावनी का अर्थ है उनका कोप भाजन बनना। मेरी चेतावनी की अवहेलना करने का अर्थ जानते हैं आप। शनिदेव, आपकी अवहेलना तो स्वयं त्रिदेव भी नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ मृत्यु लोक का एक साधारण राजा हूँ। मैं अपने राजधर्म से बंधा हुआ हूँ। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है शनिदेव। शनिदेव, चंद्रदेव हमारे अतिथि हैं। माँ ने उनकी रक्षा का वचन दिया है, ऐसे कैसे मैं आपको सौंप सकता हूँ चंद्रदेव को। हनुमान, महाराज केसरी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि न्याय के मार्ग में बाधा डालने वाला भी दंड का भागी होता है। उचित होगा कि आप मेरे और चंद्रदेव के मध्य न आए, क्योंकि जो भी चंद्रदेव को रक्षा करने का प्रयत्न करेगा उसका विनाश होगा। आप स्वयं महादेव भी चंद्रदेव की रक्षा नहीं कर सकते। परंतु शनिदेव। कोई किंतु परंतु नहीं, उचित होगा कि आप चंद्रदेव को मुझे सौंप दें, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होगा। चंद्रदेव की रक्षा का प्रयत्न आपको और आपके पिता को मेरे कोप का भागी बना देगा। क्षमा करें शनिदेव, शरणागत की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म और कर्तव्य निभाते हुए परिणाम की चिंता नहीं की जाती। हनुमान, हनुमान, शरणागत कहू चेत जहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। यह
ये तो सुमेरु और अंजना के परिवार के लिए संकट उत्पन्न हो गया द्वारिकाधीश। चंद्रदेव को शरण देने का अर्थ है शनि देव के कोप का भाजन बनना। ये सत्य है प्रिय, किंतु ये भी सत्य है कि इस संसार में शरणागत की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अतिथि देवो भव, जो आसन्न संकट के भय से शरणागत की रक्षा नहीं करता वो पाप का भागीदारी होता है। नहीं, हनुमान और महाराज को शनिदेव कोप का भाजन कैसे बना सकते हैं? अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें हनुमान, चंद्रदेव को भवन से बाहर निकालो, अन्यथा यदि एक बार मेरी दृष्टि उठ गई तो कोई नहीं बचा सकेगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारे पिता को। शनिदेव, शनिदेव, शांत शनिदेव, शांत, ऐसा मत करिए। आप तो न्याय के देवता हैं और न्याय के अनुसार शरणागत की रक्षा ही सर्वोपरि। बस देवी अंजना, आपका वो शरणागत मेरे दंड का पात्र है। शनिदेव, मैंने चंद्रदेव का व्रत रखा है और उन्हीं ने स्वयं मुझसे रक्षा का वचन लिया है, अब मैं इस वचन को कैसे तोड़ूं? देवी अंजना, चंद्रदेव को मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता, वज्र के समान कठोर रक्षा कवच भी बन जाए आपका ये वचन, फिर भी चंद्रदेव की रक्षा नहीं हो पाएगी। देवी अंजना, चंद्रदेव तो मेरे कोप के भागी बनेंगे ही, किंतु उनकी रक्षा करने के प्रयास का दंड आप ही नहीं, ये सारा सुमेरु भोगेगा, सुमेरु भोगेगा, सुमेरु भोगेगा। तब आपको आभास होगा कि क्या है शनि देव के कार्य में हस्तक्षेप करने का दंड। भूले अपना धर्म शनेश्चर, भीषण विपदा अब सुमेरु पर, भारी कोप विकट दुखदाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवी अंजना, अब आपका चंद्र पूजन का व्रत भी अपूर्ण रह जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते शनिदेव। तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने मुझे वचन दिया है। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो हनुमान को दिया हुआ मेरा वरदान मैं वापस ले लूंगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो शनि दशा से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। अब एक और आप और आपका ये सुमेरु है और दूसरी ओर है चंद्रदेव। अब निर्णय आपको करना है कि आप किसकी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव, आप जब तक मेरे समक्ष नहीं आते मैं अपने कोप का प्रभाव प्रतिपल आप पर बढ़ाता रहूंगा। आपकी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता चंद्रदेव, कोई नहीं। आंधियों से बड़े बड़े वृक्षों को भी झुकना पड़ता है, जो नहीं झुकते वो उखड़ जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि की आंधी के समक्ष महाराज केसरी और इनका परिवार
यदि नहीं झुके तो इन्हें टूटने में समय नहीं लगेगा। ये मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे शनिदेव की दृष्टि से, ये मुझे सौंप देंगे शनिदेव को। व्रत के कारण माँ की शक्ति क्षीण होती जा रही है। यदि आज रात्रि भी चंद्रदेव उदित नहीं हुए तो माँ को बहुत कष्ट होगा। मुझे चंद्रदेव से उदित होने के लिए विनती करनी ही होगी। अब और विलंब नहीं कर सकता मैं। प्रणाम चंद्रदेव। ये लीजिए महादेव का प्रसाद। जब स्वयं महादेव मेरी रक्षा न कर सके तो ये प्रसाद बचाएगा मुझे शनिदेव की दृष्टि से। मुझे तो प्रतीत होता है कि आप सब भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे चंद्रदेव। प्रयास करने से नहीं हो जाएगी मेरी रक्षा। आप सबने वचन दे तो दिया मुझे, किंतु वचन निभाने की स्थिति और सामर्थ्य दिख नहीं रहा है मुझे। चंद्रदेव, हनुमान करेगा अपनी माँ के वचन की रक्षा। आप निश्चिंत रहें। चंद्रदेव, मेरी आपसे एक विनती है कि आज की रात्रि को आप चंद्रलोक में आलोकित होकर मेरी माँ को दर्शन दीजिए। मेरी माँ ने कल से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। माँ की शक्ति क्षीण हो जाएगी। मैं तब तक आलोकित नहीं हो सकता जब तक मेरी शनि दशा से रक्षा नहीं हो जाती। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं शनिदेव। मेरा ये क्रोध चंद्रदेव एवं उनको शरण देने वालों को दंडित करने के उपरांत ही शांत होगा। देवराज, आप जो कार्य करने के लिए उद्यत हैं शनिदेव, क्या वो न्यायोचित है? न्यायोचित है देवगुरु। अपराध करने वाला और अपराधी का साथ देने वाला दोनों ही दंड के पात्र होते हैं। अपनी न्याय दृष्टि पर पड़े अहंकार के इस आवरण को उतार कर देखिए शनिदेव, ये जगत के लिए उचित है या अनुचित। शनिदेव, अमृत की सुरक्षा का दायित्व है चंद्रदेव पर। आपका एक क्रोध अनर्थ का कारण बन सकता है। बुद्धदेव, यदि आप अपने पिता का पक्ष ना ही लें तो ही उचित होगा। शनिदेव, उचित तो ये होगा कि आप अमृत की सुरक्षा एवं जगत के हित के लिए चंद्रदेव पर अपना कोप कम करें। देवी अंजना और उनका परिवार पूर्णतः निर्दोष है, इसलिए देवी अंजना और उनके परिवार को एवं सुमेरु वासियों को आप अकारण ही दंड ना दें। अकारण नहीं, कारण है देवराज। मेरे न्याय कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है उन लोगों ने। अब यदि शीघ्र ही उन्होंने चंद्रदेव को मुझे नहीं सौंपा तो मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा उन्हें भी। किंतु शनिदेव, महाराज केसरी या उनके परिवार से आप शत्रुता ना ही करें तो उचित होगा। अग्निदेव, यदि ये बात आप देवी अंजना को समझाएंगे तो उचित होगा। उन्होंने कैसे चंद्रदेव को मुझसे रक्षा करने का वचन दे दिया। अब ना ही उनका ये वचन पूर्ण होगा और ना ही व्रत। और आप सबके लिए भी ये उचित होगा कि आप इस प्रकरण में ना पड़े, कहीं मेरे कोप का भाजन आप सबको भी बनना ना पड़ जाए।
रक्षा करेंगे चंद्रदेव की। अब देखना कैसे मैं चंद्रदेव पर अपनी शनि दशा का प्रभाव बढ़ाता हूं। चंद्रदेव धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान सबके संकट हरता है। कैसे रखूं धीरज? मुझे तो विश्वास हो चला है कि आप सब मुझे शनिदेव को सौंप देंगे। जब शनिदेव आप सबको सुमेरु पर कुपित होने की चेतावनी दे रहे थे, तब आपको अपना वचन स्मरण नहीं रहा? तब सबके संकट हरने वाला आपका ये पुत्र क्यों शांत रह गया? मैंने ही रोका था उसे चंद्रदेव। शनिदेव के कोप के भय से। भय? जब किसी प्रकार का भय था तो आपने मुझे वचन ही क्यों दिया? हम अंजना का दिया हुआ वचन हर परिस्थिति में निभाएंगे चंद्रदेव, आप विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करूं मैं? आप सबको शनिदेव से भय लगता है। भूल मेरी ही थी जो मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर सहायता मांगने चला आया, वो भी तुच्छ वानर कुल में।